के पटना सिटी यहाँ पर पीजी नामक बहुत बेटा के पटना सिटी की तरफ से भी पीजी का सेकंड मिलिस्ट पे जारी हो गया है। नामांकन भी शुरू हुए, बताएंगे पूरी प्रक्रिया आज की वीडियो में। जिनका सेकंड मिलिस्ट तो नाम नहीं आया, थर्ड मिलिस्ट पे कब आएगा ये बताएंगे, वीडियो पूरा देखना। तो पटना विश्वविद्यालय अपने रेगुलर कोर्स MMS MCOM के पीजी कक्षाओं में नामांकन के लिए सभी विषयों का सेकंड मिलिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया। शुक्रवार को ही जिन आवेदकों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है, वे अपने लॉगिन आईडी व पासवर्ड की मदद से अपना अपॉइंटमेंट दोस्तों यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसमें अंकित काउंसलिंग एडमिशन फीस ऑनलाइन आपको जमा करने के बाद पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी और अपने लेटर पेमेंट स्लिप, अपना 4-5 साइज फोटोग्राफ और अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फोटो कॉपी के साथ मेरिट लिस्ट में अंकित विश्वविद्यालय विभाग कॉलेज समय पर पहुंचकर अपना नामांकन करवा सकते हैं। इस राउंड में काउंसलिंग तथा नामांकन के लिए 3 अगस्त से 7 अगस्त रविवार छोड़कर निर्धारित समय तिथि है। काउंसलिंग का निर्धारित समय 10:30 बजे से सुबह शाम 4:30 बजे तक आप जा सकते हैं, काउंसलिंग करा के नामांकन ले सकते हो। और उस डॉक्यूमेंट से क्या लगेगा नामांकन के लिए ध्यान दीजिए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, कैलकुलेटर डाउनलोड करोगे, यहाँ पे पेमेंट्स जो अलाउ करोगे, काउंसलिंग का फी पेमेंट, 10वीं का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, SLC ओरिजिनल और UG का ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट की कास्ट से बिलोंग करते हो, एफिडेविट अगर आपका गैप हुआ है तो, और 4 का कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आधार कार्ड का भी जीरोक्स आपको यहाँ पर लगेगा। ये सभी ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपी लेकर के आपको जाना है नामांकन के लिए। तो दोस्तों ये बताते हैं पूरी प्रक्रिया, आपको पटना सिटी की वेबसाइट पर आ जाना है, pup.ac.in दोस्तों ये पटना सिटी की वेबसाइट है। आने के बाद दोस्तों इस प्रकार आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आने के बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको वेबसाइट ओपन यहाँ पे हो जा रहा है। होने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है। नीचे अगर सबसे पहले बात करें यहाँ पर कुछ अपडेट जरूरी है वो अपडेट मैं बता दूँ दोस्तों, बात करेंगे BLIS यहाँ पर, MLIS और बात करेंगे MCA देख पा रहे हैं सभी का। फिलहाल दोस्तों बात करें एग्जाम के इंट्रेंस आपको दोस्तों एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो गया है, MCA बायोटेक्नोलॉजी PGDCISM का। तो आप एडमिट कार्ड दोस्तों राउंड कर लो, लिंक यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आपने कैसे ही डालिएगा पासवर्ड लगा के गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करके एडमिट कार्ड राउंड कर लीजिए। बात करें LLM एडमिट का भी दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड आ गया है। बात करें यहाँ पर PMI का भी आप फिर राउंड यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके साथ बात करें दोस्तों यहाँ पे सेकंड मिलिस्ट भी दोस्तों यहाँ पे PG के रेगुलर यहाँ पे निकल चुकी है, जो कैसे चेक करोगे वो बताते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सेकंड मिलिस्ट दोस्तों देख पा रहे पोस्ट का जो कि यहाँ पर जारी कर दी गई, आप उस पर क्लिक करिए। करने के बाद आप नीचे आइएगा, यहाँ पर देख पाओ सेकंड मिलिस्ट फॉर PG रेगुलर एडमिशन के लिए सारे सब्जेक्ट का जारी कर दिया गया है। आपको जिस सब्जेक्ट का चेकआउट करना है उस पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ से उसे आपको डाउन यहाँ पे कर लीजिए। डाउन करोगे देख पाओ दोस्तों PG का यहाँ पे सेकंड मिलिट लिस्ट है। यहाँ पर देख पाओ डिपार्टमेंट में सी केमिस्ट्री में टोटल बात करें 9 सीट था, जिसमें से 2 सीट अभी खाली बचा है, और मगध मेरा कॉलेज गर्ल्स के लिए सिर्फ है, इन पे सिर्फ 3 दोस्तों सीट यहाँ पे खाली, 4 सीट था। इन सभी का नाम दोस्तों आया है, एप्लीकेशन आईडी इनका दिया है, नाम, फादर नेम, जेंडर, ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स था, देख पाओ दोस्तों कट ऑफ यहाँ पे कितना गया है, ग्रेजुएशन के मार्क्स पर बना है 70% यहाँ पर, इसी प्रकार चेक कर सकते हो। सेकंड आपको बाकी रिमेनिंग आईडी का भी नाम यहाँ पे दिया है दोस्तों। बात करें सारे विषय का यहाँ पर दोस्तों निकला हुआ है कट ऑफ लिस्ट, चेकआउट कर लो, हिस्ट्री, बोटानी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जोग्राफी, जूलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, MCOM, मैथली, मैथमेटिक्स, पर्सन, जूलॉजी, फिलोसफी, फिजिक्स, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स सभी का। तो मैंने बताया आपको करना क्या, जिनका भी नाम आया है, नाम अगर सेकंड स्टॉप का नाम आ गया है तो आपको लॉगिन करके यहाँ पर कैलकुलेटर डाउनलोड कर लोगे, पासवर्ड डाल करके फिर काउंसलिंग फी एडमिशन फी ऑनलाइन पेमेंट करोगे, फिर आपको पेमेंट से उसको डाउनलोड कर लोगे, फिर आपको जाना है वो कॉलर जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर जाकर के दोस्तों वहाँ पे सभी एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट लेटर, पेमेंट स्लिप और डॉक्यूमेंट्स सभी का फोटो कॉपी आपको मिल जाएगा, एडमिट लेटर में सब दिया रहता है, उन सभी का जीरोक्स कॉपी, 4-5 फोटोग्राफ के साथ। जब काउंसलिंग वैलिडेशन हो जाएगा एडमिशन का, आपकी अथॉरिटी कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से कॉलेज प्रोवाइड कर देगा प्रोफेशनल एडमिशन स्लिप आपको। काउंसलिंग का डेट करें यहाँ पर डेट है 3, 5, 6 और 7 अगस्त को आपको जा सकते हैं 10:30 से 4:30 बजे तक यहाँ पे बात करेंगे। अब बात करें यहाँ पे 7 अगस्त के बाद ही दोस्तों डेट है, जो कि हमको बताया डेट अभी हमने आपको बता दिया था, उस डेट पे जाइए जाके आपको नामांकन ले लेना है। दूसरी बात दोस्तों आप यहाँ पे दावेदारी के लिए नहीं कर सकते, जब इसमें नहीं जाइएगा तो आपकी दावेदारी खत्म हो जाएगी। अब करना दोस्तों क्या है, दोस्तों नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखो ऑनलाइन पोस्ट का जो आपको ऑप्शन मिलेगा एडमिशन का, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन है देख पा रहे हो लिंक फॉर ऑनलाइन फॉर्म PG रेगुलर, इस पर क्लिक करो। फिर यहाँ पे दोस्तों बात करें लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन ही पासवर्ड के लॉगिन करिए, लॉगिन करिएगा दोस्तों यहाँ पर। लॉगिन के बाद आपको यहाँ से ऑफर लेटर दोस्तों मिल जाएगा, उस ऑफर लेटर यहाँ पे ले लेना है, अलॉटमेंट लेटर फिर ऑफर दोस्तों आप ले लोगे, फिर यहाँ पे काउंसलिंग का भी पेमेंट कर दीजिए। आपके अलॉटमेंट में सारी जानकारी दी हुई है, आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, उसे करके जाना है। और जिनका नाम नहीं आया उनका कब होगा वो बताते हैं। बात करें यहाँ पे थर्ड मिलिस्ट कब आएगी, तो देखो 7 अगस्त तो फिलहाल 3 से 7 अगस्त तक सेकंड मिलिस्ट का नामांकन चल रहा है, तो 7 अगस्त के बाद रखिए यहाँ पे 8, 9 अगस्त यहाँ पर 9 अगस्त के दोस्तों बाद ही यहाँ पर आपका थर्ड मिलिस्ट नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। और स्पॉट रन दोस्तों कब होगी, स्पॉट रन बात करें यहाँ पे 15 अगस्त के बाद ही यहाँ पर आपका शुरू होने वाला है। तो ये थी पटना विश्वविद्यालय बात करें PG नाम की बहुत अपडेट, वीडियो को लाइक करिए, आगे भी पाने के चैनल से बने रहिए।